नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल कलाकार के सम्मान और उनके बयान पर सियासी घमासान को लेकर है। कर्नाटक के बीदर के रहने वाले कलाकार शाह रशीद को पद्म पुरस्कार मिला है। शाह रशीद, अहमद कादरी की ओर से कहा गया है कि उन्हें बीजेपी और पीएम मोदी की सरकार को लेकर भ्रम था, जो अब दूर हो गया है। शाह रशीद ने कहा कि कांग्रेस के राज में उन्होंने लगातार कोशिश की, लेकिन उनकी कला को सम्मान और उन्हें पहचान नहीं मिल पाई, लेकिन बीजेपी के राज में उनके साथ न्याय हुआ है। कांग्रेस पार्टी का इस पर पलटवार सामने आया है। उसने कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर यह बयान दिलवाया है क्योंकि कर्नाटक में होने हैं विधानसभा के चुनाव और इसी वजह से इस वीडियो को जमकर वायरल किया जा रहा है। दोनों ही तरफ से मुसलमानों को रुझाने के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कादरी का यह बयान अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल यह है कि क्या मुसलमानों के मन में पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर भ्रम है? यह भ्रम किसकी ओर से फैलाया गया है, या फिर मुस्लिम समुदाय बीजेपी से एक जो दूरी महसूस करता है बार बार AIMIM या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से जिस तरह के बयान सामने आते हैं उसमें सच्चाई है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की इस कहानी में कलाकार की कला, सरकार का संकल्प, अकलियत के बीच अफवाह, सियासत का भ्रम और कर्नाटक की कुर्सी का खेल, सब कुछ शामिल है। हुआ यूं कि एक कलाकार को पद्म पुरस्कार मिला, कला को सम्मान मिला, नाम को पहचान मिली, तो उनके दिल की पुरानी कसक जुबान पर आ गई। उसके बाद हम हामी बन गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहेंगे या हमको नहीं देगा, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुनिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस कलाकार ने 12 मुल्कों में हिंद की नुमाइंदगी की हो, वो अपने ही मुल्क में दशकों से गुमनाम रहा था, लेकिन मोदी सरकार में हुए इंसाफ के बाद उस कलाकार के मन में मुल्क के हाल और हुकूमत की नियत पर डगमगाता यकीन एक बार फिर बुलंद हो चला था। पुरस्कार पाने के बाद जब पीएम अपने देश के पद्म पुरुषों से मिलने लगे, तो रशीद कादरी ने पीएम से आमने सामने की मुलाकात में दिल की बात कह डाली। मैं कांग्रेस के पीरियड में मैं 10 साल पहले कोशिश किया था, 5 साल तक करता रहा, उसके बाद मैं खामोश हो गया, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद मैं एकदम खामोश हो गया, मैं अप्लाई नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि बीजेपी मुसलमानों को कुछ नहीं देती, ये समझ के मैं अप्लाई करना छोड़ दिया था, लेकिन आपने मेरा ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझको चुन लिया अवार्ड के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बल्कि ऐसा ऐसी बात हुई, न जाने कितना पुराना भ्रम दूर हुआ था। मन के आईने में अफवाह की गर्द से बिगड़ी बीजेपी और प्रधानमंत्री की छवि सरकारी नियत के सच का सामना करते ही हीरे की तरह चमक उठी थी। प्रधानमंत्री खिलखिला उठे, लेकिन एक कलाकार के दिल से निकली सच्ची बात पर सियासी दंगल शुरू हो गया। यूं तो हर मोदी विरोधी परेशान हुआ, लेकिन ज्यादा परेशान कांग्रेस नजर आई। सरकार के ईमान और कलाकार के बयान दोनों पर सवाल उठा दिया। ये बयान देना, ये बयान दिलवाना और उसको सुनियोजित ढंग से प्रचारित करना साबित करता है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से ये बयान दिलाया। आप कह रहे हैं बयान दिलवाया गया? मुझे तो लगता यही है कि जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से बयान दिया गया, तमाम लोग तमाम बातें बोले होंगे, पर चूंकि कर्नाटक का चुनाव होने वाला है, माइनॉरिटी की नजर में रख के इसे मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये भाजपा ने अपना चुनाव में कुछ इसका लाभ मिले जो मिलने वाला नहीं है, ये भाजपा का दिलवाया हुआ बयान। जहां तक कर्नाटक चुनाव और मुस्लिम वोट का सवाल है, कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी करीब 13%, 19 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की आबादी 30% से भी ज्यादा है। इनमें से करीब 40 सीटों पर ये हार जीत तय करने की क्षमता रखते हैं, जबकि मुस्लिम वोट 70 सीटों के नतीजे पर भी असर डालते हैं। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट बनाने से और मुस्लिम बीजेपी को वोट देने से बचते ही रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की नजर मुस्लिम वोट पर भी है। वैसे कांग्रेस की माने तो वो बीदरी के कादरी थे,
कर्नाटक में चुनाव था, मुस्लिम वोटों का सवाल था, इसलिए सरकारी जुबान बोल गए। लेकिन कांग्रेस की राय के उलट देश के कलाकार तो कुछ और ही कहते हैं। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, अनेकता में एकता का मंत्र कहेंगे, हम एक रहेंगे। तो ये भारत की पहचान है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और जितने भी हमारी भारत सरकार के मंत्री हैं, मंत्रिमंडल, उसका प्रयास है कि एकता हो और उसमें जो मजा है वो और किसी चीज में। और ये एक दो कलाकारों और मुस्लिम शख्सियतों की बात नहीं है। खबर तो ये भी है कि इसी हफ्ते जब 14 मजहबी संगठनों के 17 मौलाना और मुस्लिम नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अमित शाह से हुई मीटिंग की तारीफों के पुल बांध रहे थे। जितने भी करंट इश्यूज हैं उन सब के बारे में डिटेल में बात हुई है। अब बात की हद तक तो अच्छी बात हुई है। उन्होंने हमसे सब केसेस के बारे में डिटेल मांगी और ये कहा है कि जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो 2-3 दिन में करवा करके हम इसको 3 दिन के अंदर अंदर हम करवाएंगे। और कुल मिला करके अच्छा कहा जा सकता है इस मुलाकात को बातचीत के लिहाज से। वैसे मोदी सरकार शुरू से सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास का नारा देती आई है। अब तो पीएम मोदी ने यह भी कह दिया है कि उनकी पार्टी बिल्कुल बजरंगबली की तरह खुद से ऊपर उठकर सोचती है। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम नमः, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम नमः। पीएम की माने तो राष्ट्र धर्म का पथ ना होता, जनसेवा का संकल्प ना होता, सत्ता के लालच का त्याग ना होता तो दो नेताओं वाली पार्टी 40 साल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बन पाती। लेकिन विरोधी दल बीजेपी के इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। बीजेपी को मुस्लिम विरोधी रंग में रंगने की दशकों से जो कोशिश हुई है वो अब भी जारी है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। कर्नाटक में जहां वोटिंग होनी है 13% मुसलमान है, देश भर में 14.5% है। लोकसभा चुनाव भी 335 दिनों का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में मान न मान क्या मोदी के होंगे मुसलमान या फिर विरोधी पार्टियां जिस तरह के दावे करती हैं उनके दावे में दम है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर उदित राज जी आप लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल हसन साहब स्पोक्स पर्सन है AIMIM के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब कुछ ही देर में हमारे साथ प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जुड़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ शाह रशीद अहमद कादरी साहब जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत कादरी साहब आपसे ही करते हुए, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और मेरा पहला सवाल है, चूंकि आपका वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी बातचीत है, उसमें जोर देकर आपकी ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी आपने मुझे गलत साबित कर दिया, पीएम से आपकी क्या बातचीत हुई और बीजेपी से पद्म पुरस्कारों की उम्मीद आपको पहले क्यों नहीं थी, क्या बोलेंगे इस पर आप? ये अवार्ड लेने के बाद हम पूरे अवार्डिस को एक दरबार हॉल से बाहर और एक हॉल था वो हॉल में लेके गए। प्रधानमंत्री जी आपसे मिलने आ रहे हैं बोले, सबसे मिलते हुए आए, उसके बाद मेरे पास भी आए। वो आने के बाद मेरे दिल में जो था वो बोल दिया मैं, जो मेरे पे गुजरी थी वो बोल दिया मैं। क्या गुजरी थी? के 10 साल नहीं, जो गुजरी वो बयान कर दिया मैं। मैं कांग्रेस के पीरियड में 5 साल तक कोशिश करके मैं उम्मीद नहीं रखा, क्योंकि 5 साल तक कोशिश करने के बाद वो मेरे को अवार्ड नहीं दिए। वो मैं क्योंकि कारीगरों में मेरे पास जितना मटेरियल है शायद किसी के पास भी नहीं होगा, वो उम्मीद थी मेरे को। अब उसके बाद 5 साल के बाद मैं छोड़ दिया, 5 साल तक मैं अप्लाई नहीं किया मैं। उसके बाद 25 जनवरी को मेरे को पता चला कि मैं पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब हुआ हूँ।
तो मैं मोदी जी को यही बात बता रहा था, आप मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए आप मेरे को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुन लिए, और तो ये सुन के वो खहकहा लगा के खिलखिला के हंसना शुरू करे। ठीक है, वो तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो मुसलमानों से एक एक दूरी है बीजेपी के मुसलमानों से। इस पुरस्कार के बाद क्या आपका कोई भ्रम था जो दूर हुआ है, और क्या ये सच आप दूसरे मुसलमानों तक भी पहुंचाएंगे? कादरी साहब, जो बातें आप मोदी जी से बोल रहे थे। देखिए, मैं मेरी बात करा, पूरे मुसलमानों को ठेका नहीं लिया मैं उनकी बात करने के लिए। मेरे पे जो गुजरी वो बोल दिया मैं, और मैं शुरू से पक्का कांग्रेसी हूं। मैं कांग्रेस को, कांग्रेसी का मतलब कोई नेतागिरी नहीं करता, मैं कांग्रेस को ही वोट देता था। कांग्रेस को आप वोट देते थे, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री से आपकी जो बातचीत हुई, आपने कहा कांग्रेस को वोट देने की बात, लेकिन आप थोड़े बदले बदले से आप नजर आ रहे हैं। सही बात है, और आपके कर्नाटक में इलेक्शन होने वाला है, मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा आपके, क्योंकि उनका हक अदा करना है मेरे को। पहले आप कांग्रेसी थे, अब आप बीजेपी के हो गए पद्म पुरस्कार मिलने के बाद। एक और सवाल, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मेरा सीधा सा सवाल है, बीजेपी 9 सालों से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात कर रही है, उसके ऊपर भरोसे के लिए क्या पद्म पुरस्कार की ही जरूरत थी? इससे इतर क्या भरोसा नहीं किया जा सकता था उसके ऊपर? नहीं, वो किसका विकास कर रहे हैं, किसका साथ दे रहे हैं, मेरे को उसका इल्म नहीं है। मेरे पे जो गुजरी वो बता दिया हमने। ठीक है, आपके ऊपर जो गुजरी आपने अपने दिल की बात बता दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपको एक बार फिर से पद्मश्री के लिए बधाई। आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। अब जुड़ जाती हूं मैं बाकी मेहमानों के साथ। शहजाद पूनावाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, हालांकि इनका यह कहना है पहले वो कांग्रेसी थे अब वो भाजपाई हो गए हैं, पद्म पुरस्कार मिल गया, यकीनन ये तारीफ की बात है कि कुछ लोगों के भीतर अगर भ्रम का माहौल था तो बीजेपी उसको धीरे धीरे दूर कर रही है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि एक व्यक्ति को पद्मश्री मिलने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा हो पाता है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं, और मैं ये कहूँगा कि आज जो कादरी साहब, जो बहुत बड़े बीदरी कला और शिल्प के प्रतिपादक है, उनकी बातों से तीन निष्कर्ष साफ है। एक निष्कर्ष ये है कि कांग्रेस केवल इस्तेमाल करती है मुसलमानों का या अल्पसंख्यकों का, यूज एंड थ्रो, इसका तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो दुष्प्रचार का माहौल फैलाया जाता है कि ये इस्लामोफोबिया के नाम पर एक माहौल इकोसिस्टम क्रिएट करता है, वो पूर्ण तरीके से गलत है। और जैसे चक्षु खुलते हैं लोगों के, उनको समझ में आता है कि असलियत में कौन काम कर रहा है। और तीसरी बात, जो पहले लॉबिंग का कल्चर था पद्मा अवार्ड्स को लेकर, आज वो संपूर्ण तरीके से खत्म हो चुका है। ये पीपल्स पद्मा है, और इसीलिए पीपल्स मेरिट की रिकॉग्निशन होती है। और मोदी जी द्वारा आज ऐसे ऐसे लोगों को पद्मा अवार्ड मिला है जिन्होंने ग्रास रूट पर काम किया है, हो सकता है बड़े नाम ना हो परंतु उनके काम के योगदान को सराहा गया है। मैं आपको एक ही दो बात कहना चाहता हूं। देखिए, आज क्या हो रहा है, गोवा में कितने वर्षों से बीजेपी की सरकार है, वहां पर बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक, बातें आपकी सही है, लेकिन किसी को पद्म पुरस्कार मिलेगा तभी वो भरोसा करे, सवाल तो ये है ना। मैं उसी पे आ रहा हूं, उसी विषय पे आ रहा हूं, उसी को समझाने के लिए एक संदर्भ दे रहा था। अब नॉर्थ ईस्ट में हमारी सरकारें फिर से लौट कर आई है, तीन राज्यों, वहां पर ज्यादातर अल्पसंख्यक समाज और ट्राइबल है। क्या वहां पर किसी को पुरस्कार दिया गया इसलिए उन्होंने हमारी समाज सरकार लौटाई है? नहीं। आज जब मोदी जी 11 करोड़ टॉयलेट भेजते हैं तो सुल्ताना, शिल्पा और सैंड्रा तीनों को मिलता है, 80 करोड़ राशन मिलता है लोगों को, तो मोहम्मद, मैथ्यू और तीनों को मिलता है। और यही फॉर्मूला है जिसकी वजह से, पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए। प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि इनसे यह बयान दिलवाया गया, मतलब कि उन्होंने कलाकारों का अपमान, शिल्प का अपमान, बीदरी समाज का अपमान, कर्नाटका के पूरे उस सामाजिक कल्चर का अपमान, और हमारे पद्मा अवार्डीज का अपमान किया है। ये उनकी अहंकारी मानसिकता है। आपने अवार्ड दिया नहीं, और अगर कोई और उनके योगदान को सराहे तो आप उनको बिका हुआ कहते हैं। आज मुझे लगता है कि इसका बदला कर्नाटक की जनता बिल्कुल लेगी वोट के माध्यम से। कादरी जी, अब बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा है? पहले वो कांग्रेसी थे, कह रहे हैं अब तो मैं भाजपाई हो गया हूं, और कांग्रेस के राज में उन्होंने पैसे भी खर्च किए, कोई कामयाबी नहीं मिली, और बीजेपी ने बिना उम्मीदों की ही उनकी उम्मीदें पूरी कर दी, तो तारीफ तो बनती है ना बीजेपी की फिर? उदित राज जी, 140 करोड़ देश के लिए एक घटना को आप लोगों ने ऐसा मार्केटिंग शुरू कर दी है कि रोऊं इस देश के ऊपर कि हंसू इस देश के ऊपर। आप ये सवाल कभी किए कि बीजेपी ने एक भी लोकसभा की सीट मुसलमानों को नहीं दिया? आपने सवाल किए कि बिल्किस बानो
के अपराधियों का भव्य स्वागत हुआ, आपने सवाल किया। और यही नहीं, एक मुसलमान का भला हो गया तो 25 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमानों का क्या रिप्रेजेंटेटिव है? या 20 करोड़ मुसलमानों का भला हो गया? अरे एक अपवाद को लेकर के, अरे करोड़ों किसान, करोड़ों मजदूर, इतना सब कुछ इस देश में हो रहा है। हाँ। उस आदमी को मैंने सुना कादरी को सुबह, हाँ। और कहा कि भैया मुझे मत खसीटो इस विवाद में। तो आदमी कहता है कि 140 करोड़ में या कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हाँ। जितने सारे कॉम्पिटेंट है सबको अवार्ड मिल ही जाता है क्या भाई? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। क्या मार्केटिंग कर रहे हैं, अवार्ड की भी मार्केटिंग कर दे लेकिन रहा। आप कह रहे हैं तो बिल्किस बानोवाला भी तो देख लीजिए, एक भी एक विधानसभा 403 में, उत्तर प्रदेश में 403 में, हाँ। एक मुसलमान को नहीं दिया इन्होंने टिकट नहीं दिया। कैबिनेट मंत्रालय में एक मुसलमान नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूं। आप नाखून काट करके शहीद होना चाहते हैं? हाँ। नाखून काट करके शहीदी नहीं होती, नाखून काट करके शहीद होना चाहते हैं शहजाद पूनावाला? आप उन्हें भी सरकार, ये सवाल तो वाजिब है ना। देखिए आप लोग बिना मतलब, ठीक है सर, हो गई आपकी बात, ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात उद्धवराज जी। अरे इस बात का भी तो जवाब दीजिए, जवाब ले लेती हूँ ना शहजाद जी से, जवाब दीजिए इस बात का जवाब। मैं अल्पसंख्यक समाज बोलने तो भाई, अभी वो पूछ रहे हैं एक मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया आपने लोकसभा में, विधानसभा में? ठीक है सर, अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मंत्रालय में एक नहीं, ठीक है, एक मुसलमान सब 22 करोड़ मुसलमानों का भला कर रहे। ठीक है सर, अब जवाब सुन लेती हूँ। ठीक है भाई, एक मुसलमान की जुबानी तो सुन लो। हाँ। और आप ही की पार्टी में था, और जब उस समय आप किस पार्टी में थे और आज वहां पे है जहाँ पे मैं पहले था, आप सुन लीजिए सर, आपका मैं इज्जत आदर करता हूँ। देखिए पहले उन्होंने बिल्किस बानू का विषय उठाया, यही बिल्किस बानू का पूरा माहौल इन्होंने क्रिएट किया। आपको पता है बीजेपी ने गुजरात में 19 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में 17 जीती है, तो बताइए किस पे भरोसा किया मुसलमानों ने? दूसरी बात मैं आता हूँ टिकट्स के विषय पे, थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, ये बहुत गंभीर विषय है बताने की। पहली लोकसभा से लेकर 2004 तक की लोकसभा में जहां पर कांग्रेस का एक छत्र छाया रहा, मुस्लिमों की आबादी 14% है देश में, टिकट जो दिए या लोकसभा के सीट में जीत के आए केवल 5%, उसमें भी पासमानदा मुसलमान केवल 0.8%। मुझे बताइए इन्होंने कौन सा दे दिया? गुजरात की बात करते हैं ना, गुजरात में आज तक भारत कांग्रेस पार्टी ने 10 से ज्यादा सीटें नहीं दी है मुसलमानों को, 95 में दिया था मोदी जी के कई वर्ष पहले आने से, जबकि उनकी आबादी वहां पर 10% है, मतलब 18 सीटें कायदे से देनी चाहिए। तो विनेबिलिटी पर तो आप भी सीटें तय करते हैं। अरे मैं आपको बताता हूँ, अब मुझे बताइए अल्पसंख्यक समाज की जब हम बात करते हैं तो क्या मैं अपनी बात कर लूं? बीच में बोलने की क्या आवश्यकता, एक एक करके बात रख सकते हैं, सुन लेते हैं वो बोल रहे हैं। देखिए दिक्कत, देखिए हम लोगों ने आज टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया है, क्या मुसलमान का नेतृत्व कोई केवल मुसलमान ही कर सकता है? ये तो सोच इस प्रकार से देश को विभाजन की ओर ले जाने वाली है। सर आप 5 मिनट और बैठिए, उसके बाद जाइएगा उदित राज जी, ये तो ठीक नहीं होगा ना सर। आप आए और अपना भाषण देने के बाद चले गए सर, 5 मिनट दूसरों को भी मेरे ऊपर अन्याय है, दिखा दीजिए। नहीं नहीं वो बैठे रहेंगे, बैठे रहे ना बैठे रहे, वो अप्रासंगिक है। आपसे निवेदन है उदित जी, आपसे निवेदन है, आपने उनको सुना? ये मनवाने की अपने सवालों का जवाब, हमारा भी बोलने का अधिकार है, अपने सवालों का जवाब लेते जाइए। शहजादा जी की बातें तो सही है ना भाई, 40 सेकंड के उस अंतराल में 40 बार मेरा इंटरप्शन हुआ है, एक थॉट मेरा जनता की ओर नहीं जा पा रहा। बोलिए बोलिए, मुझे 40 सेकंड तो दे दीजिए। और क्या ये आधिपत्य है कांग्रेस पार्टी का, लेगेसी है क्या कि उनको ही 10 मिनट बोलने मिलेगा आज तक पे? ऐसे थोड़ी होता है, सबको बोलने मिलेगा। अब देखिए मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, इन्होंने कौन सी कांग्रेस में रहते हुए मुसलमानों को अपनी आबादी के हिसाब से टिकट दे दिए? 5% मिला है उनको सीट, जबकि आबादी 14% है, क्यों नहीं दिया? पासमानदा को तो 0.8% मिला। इसके उलट आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर किसान योजना देखे आप, अगर नल से जल की योजना देखे, अगर मुद्रा योजना देखे, हर जगह अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी 30-35% है, पहली बात। दूसरी बात मेरा केवल इतना कहना है कि ये सोच विभाजनकारी है कि मुसलमान का प्रतिनिधित्व तो केवल मुसलमान कर सकता है, और हमारी सरकार में हरदीप पुरी है, वो क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है क्या? अगर वो कहते जॉन बारला के अल्पसंख्यक नहीं है क्या? सबसे ज्यादा ओबीसी को हमारे कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन मिला है, वो पिछड़ा समाज नहीं है क्या? एससी
एससी एसटी को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव मिल रहा है वो पिछड़ा समाज नहीं है क्या? द्रौपदी मुर्मू जी का जो सामाजिक एक उनका एक राह है अस्तित्व उनका, वो कोई उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्या आप? तो केवल आप एक धार्मिक कार्ड पर वोट बैंक खेलते हैं और आप बताइए आपने क्या किया है मुसलमानों को? दंगों के अलावा हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, जलगांव, अहमदाबाद, इसके दंगों के अलावा दिया क्या है आपने? उदित राज जी, सवाल के जवाब आप दीजिएगा, लेकिन कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल जल्दी से मैं कादरी साहब आपसे लेना चाहूंगी। दरअसल हमने प्रमोद तिवारी को भी सुना स्टोरी जब हमारी चल रही थी। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी के कहने पर आपने इस तरह का बयान दिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी बातचीत हो रही है ताकि बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में फायदा मिल सके, इसमें कितनी सच्चाई है कादरी जी? ये उनका अपना ख्याल है। ये जो पद्मश्री अवार्ड की जो लिस्ट फाइनल करने के लिए तकरीबन 6 महीने पहले से ही करना पड़ता हुआ और कर्नाटक में जो इलेक्शन जो डिक्लेयर हुआ ये अभी मार्च या अप्रैल में डिक्लेयर हुआ है, ये तो 6 महीने पहले से कार्रवाई चलते रहती है। अच्छा। वो जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं और नेता लोगों का काम है झूठ बोलना है, एक दूसरे को लड़ाना है। उदित राज जी को भी आप दिखाइए। एक और सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी, उसके बाद समय आपको फ्री कर दूंगी। आपने हर साल 12,000 रूपए खर्च किए ताकि पद्म पुरस्कार आपको मिल सके, कांग्रेस पार्टी के शासन में आपने ये पैसे खर्च किए थे, कुल कितने पैसे अब तक खर्च हो चुके हैं और बीजेपी के शासन काल में क्या एक भी बार आपकी ओर से कोशिश नहीं की गई थी इस पद्म पुरस्कार के लिए? देखिए वो मेरा प्रोफाइल इतना मोटा प्रोफाइल है, पेजेस कितने हैं मेरे को तो याद नहीं है, और उसके अंदर कलर फोटो 50 है उसके अंदर वीआईपीस के साथ और एग्जीबिशन के तकरीबन 50 कलर फोटो है, और वो उसका उस दौर में कलर फोटो महंगे थे, उसका खर्चा बहुत आता था, पूरा फाइल प्रोफाइल बनाने के लिए 12,000 का खर्चा आता था। एक प्रोफाइल नहीं बनाता था बल्कि 3 बनाता था, एक कर्नाटका गवर्नमेंट को देता था, एक डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट को देता था, तीसरा होम मिनिस्ट्री को देता था, उसमें 12,000 खर्चा आता था और 5 साल 12-15 60,000 खर्च करके मैं खामोश हो गया। 60,000 रुपए मेरे को ये अचानक इत्तला आई कि मैं पद्मश्री के लिए चुना गया हूँ। 60,000 रुपए आपकी ओर से खर्च किए गए थे पद्म पुरस्कार के लिए कांग्रेस। उदित राज जी, अब सांझ को आज क्या कादरी साहब को आप सुन ही रहे हैं, शहजाद पुनावाला से आप नाते फाके रख सकते हैं, लेकिन एक शख्स ने जिसने लगातार कोशिशें की उसके हाथ में तो कुछ नहीं आया ना। चित्रा जी, 140 करोड़ के देश में कई कितना भी परफेक्ट मेथड सिलेक्शन का हो, मैं तो सिविल सर्विसेज करके आया हूँ और आप भी एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं इस देश में, लेकिन सबके साथ न्याय नहीं हो पाता, चाहे इस सरकार हो चाहे परफेक्ट सिस्टम दुनिया में कहीं बना ही नहीं। अब उस समय बहुत लोगों ने बड़ा सराहा होगा, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हाँ। और पारिक हैं, डॉक्टर पारिक हैं, और उनको अवार्ड मनमोहन सिंह जी ने दिया, और जब मैं उनके यहाँ गया पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में गया न्यू जर्सी में, तो उन्होंने कहा मैं पूरी जिंदगी बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, आज भी काम कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी से हमें कुछ नहीं मिला। पारिक बहुत बड़ा नाम है, उनके 36 सत्ती क्लिनिक है वहां पर। तो देखिए ऐसा है, हो जाता तो आपसे ये व्यक्तिगत पुनावाला जी कह रहे थे ना, अब आप उससे मिलने गए थे तो अपना हालचाल बताते हुए उन्होंने कह दिया होगा। अरे आप नहीं, आप पता भी लगा सकती है, आप पता लगा सकते हो, उनका क्रेडेंशियल बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, वो मोदी जी के सबके बड़े करीब है, वो बहुत बड़े आदमी है। और एक बात है, दूसरी बात है कि कहा कि हम धर्म जाति को नहीं देखते, तो धर्म जाति को नहीं देख रहे हैं तो क्यों वो इस मुद्दे को उछाल रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमने मुसलमान को दे दिया, मुसलमान को दे दिया, ये तो आप ही कर रहे हैं, आप ही अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं क्या करूं, अब बुद्धि को कहूं, किस बुद्धि को कहूं कि हम तो भले मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, बीजेपी तो जाति धर्म के हिसाब से देती ही नहीं है, अब क्यों आप इसको ग्लोरीफाई कर रहे हो, ठीक है, मुसलमान को सिंबल बना के कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आप तो मैं आपके पास फौरन आऊंगी। उदित राज जी ने कुछ बड़ी बातें कही है, सिकंदर रिजवी जी स्टूडियो में बहुत दूर से आए हैं, जल्दी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ सर, लेकिन बीजेपी की इस बारे में तारीफ करनी चाहिए ना। देखिए अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 2014 से 2019 दोनों ही लोकसभा चुनाव को देख ले तो 8-10% में ही मुसलमानों का वोट मिलता रहा है, लेकिन अगर किसी की उम्मीदों से इतर जाकर, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है,
बीजेपी अगर उसको झोला भर के दे रही है और इतने बड़े सम्मान से वो बहुत भावुक भी हो जाते हैं बीच बीच में, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए ना रिजवी साहब। बिल्कुल आपने ठीक कहा है और मैं शारशी साहब को मैं बधाई भी देना चाहूंगा। देखिए उनकी बरसों की तमन्ना थी, बार बार कोशिश करते थे, उनको नहीं चुना गया, ना वो नजर में आए। पिछली सरकारों में कांग्रेस ने किस तरह से पद्मश्री पद्म विभूषण दिया है सबको पता है। ये तो बंबई वालों को उठा के देते थे जो उनके चहेते थे, पूरी लॉबी होती थी, लॉबिंग करके दिया जाता था। अब कल जो पद्मश्री मिल रहा था आपको नजर आ रहा था किस जगह से लोग आए थे, किस प्रांत से लोग आए थे, किस तरह के लोग थे, उनको कलाकारी से मिल रहा था, किसी को साइंस से मिल रहा था, किसी ने अपनी मतलब कितने लोग तो आपने देखी व्हील चेयर कलाकारी से बांटती थी पद्म सम्मान, वो लॉबिंग के ऊपर बांटती थी, पैसा भी खर्च करते थे, इनके करप्शन था, पैसा देके पद्मश्री लिया। मैं तो नाम जानता हूँ, वैसे मैं बदनाम हूँ ब्लंट बोलने के लिए। अभी जो महाशय बोल रहे थे कांग्रेस में चले गए, बीजेपी में थे, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, उससे पहले इनकी पार्टी थी, जो बहुत संजीदगी से बात कर रहे थे। तो आप तो फायदे के लिए इधर से उधर जाते रहते हैं, एक आपको तो बहाना मिल जाता कि आप कह रहे हैं कि पहले पैसे देकर पद्मश्री लिया जाता था, मोदी सरकार ने बदल दिया है। बिल्कुल पैसा देकर, बिल्कुल पैसा देकर दिया जाता है। बातें कह रहे हैं कपूर का, बिल्कुल बिल्कुल राणा कपूर का किस्सा है, ये सही बोल रहे हैं, पब्लिक डोमेन में कौन सा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है आदिल हसन साहब, इनकी बातों पर जवाब दीजिए। अब तो MIM भी कर्नाटक में अपने भाग्य को आजमाने के लिए उतर रही है, तो अगर बीजेपी अपने मन की बात पहुंचा देती है मुसलमानों तक तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है वहां पर। मैम 22-23 मिनट के बाद आपने मौका दिया तो उम्मीद है कि आप बोलने मुझे दीजिएगा। बोलिए बोलिए सर। सबसे पहले बीजेपी से आप पूछिए कि 4% रिजर्वेशन कर्नाटका का क्या है, क्यों हटा दिया? महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन था, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने दिया, उसको क्यों रोका? कभी प्रधानमंत्री बिल्किस बानो और जकिया जाफरी के यहां भी चले जाए, नासिर जुनैद के राजस्थान में भी चले जाए, काउ विजिलेंटे भी बोल दे, मोमा का स्कॉलरशिप बंद हो गया, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद हो गया, झारखंड में लिंचिंग हुआ, इनके मंत्री जयंत कुमार ने माला पहनाया मदरसा टीचर को, उत्तर प्रदेश में जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में शुरू हुआ था 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, AMU और जामिया का भी ग्रांट इस मोदी सरकार ने बंद कर दिया है, एक भी मुस्लिम MLA MP मिनिस्टर इस मोदी सरकार में नहीं है, आप बतलाइए। हेमंत बिस्वासा और योगी जो सुबह शाम बुलडोजर चलाते हैं उसमें मोदी सरकार की क्या भूमिका है, बतलाएं मोदी जी। सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, आखिर किस तरीके से करना चाहते हैं? रिजर्वेशन भी छीन लेते हैं, स्कॉलरशिप भी छीन लेते हैं, जुनैद नसीर क्या भी नहीं जाते हैं, बिल्किस क्या भी नहीं जाते हैं, 15 अगस्त को लाल किला से भाषण देते हैं, उसी दिन जो बिल्किस के जो जिसने किया था उसके साथ उसको छोड़ देते हैं, आखिर मोदी जी का इंसाफ क्या है? बतलाएं कि एक अभिनेता के बेटे को फंसाया गया, उस पर भी जो उनका ऑफिसर था उस पर जांच आया, उस पर मोदी जी ने क्या किया? महाराष्ट्र से दिल्ली ट्रांसफर करा दिया। स्कॉलरशिप पे क्या करेंगे? काउ विजिलेंट पे क्या करेंगे? मॉब लिंचिंग पे क्या करेंगे? क्या किसी मुसलमान को मिनिस्टर MLA बनाएंगे, स्कॉलरशिप बढ़ाएंगे कि सिर्फ दरबारियों को खुश करेंगे? आखिर एक गवर्नर बनाने से या किसी को पद्मभूषण देने से कुछ नहीं होने वाला है। आखिर मुसलमानों को इंसाफ कब देंगे? मुसलमानों को हिस्सेदारी कब देंगे? स्कॉलरशिप कब देंगे? आप बतलाएं कि वो जो 5 साल से उत्तर प्रदेश के मदरसा में जो पैसा नहीं मिला है वो वाजपेयी जी के वक्त में शुरू हुआ था, मोदी सरकार उसको कब तनख्वाह देगी? उसमें हिंदू मुसलमान दोनों टीचर हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान टीचर हैं, उसमें फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, उसका पैसा मोदी जी कब देंगे? मोदी जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, टीवी बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, ये बात देश जानता है, लेकिन बतलाएं कि इंसाफ कब कर देंगे, स्कॉलरशिप कब देंगे, और मॉब लिंचिंग पे कब कानून आएगा, कब ऐसा कौ विजिलेंट पे कानून आएगा, कब मोनू मनेसर और जो राजस्थान में घटना घटी, हरियाणा में सरकार ने पेट्रोनेस दिया उस पर कब बोलेंगे? हेमंत बिस्वासा जो हर दिन बुलडोजर चला रहे हैं उस पर वो कब कार्रवाई करेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं। और ये 4% रिजर्वेशन क्यों खत्म कर दिया? और क्या महाराज देवेंद्र फडणवीस सरकार जो हाईकोर्ट हाईकोर्ट वाला है उस पर जवाब देंगे? उन्होंने गिरा दी है। और मुझे 4% मुसलमानों के आरक्षण को खत्म करने से लेकर बुलडोजर चलाने तक जवाब, क्योंकि तथ्यात्मक रूप में जवाब देता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा। देखिए बिल्कुल 4% रिजर्वेशन हटाया, धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन ये गैर संवैधानिक है और उन्हीं को EWS में कोटा मिला है, EWS में उनको पूरा रिजर्वेशन मिलेगा पर पिछड़ेपन के आधार पर, किसी को धार्मिक आधार पर नहीं मिलेगा, ये संविधान के खिलाफ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा AMU और जामिया की फंडिंग बंद कर दी है, ये इतना बड़ा झूठ आज तक पर बैठकर बोल रहे हैं। मैं आपको आंकड़े बताता हूं, पोस्ट मैट्रिक स्कीम UPA 2 के जमाने में, चित्रा जी ये तरीका नहीं, चित्रा जी मेरे हर बयान में मेरा, मैं बीजेपी से अकेला हूं, मैं चार उनके हैं, मैं अपनी बात तथ्यों में रखता हूं, हर बार मेरी बात सब लोग नहीं, आपका PCR नहीं कर सकता है, बीजेपी के दरबारी नहीं,
मैंने एक शब्द नहीं बोला ना, तीन चार बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं आपका पीसीआर भी तो सबको मौका दे सकता है। सुनिए आदिल हसन जी, दोनों का बजट घटा है, अब सुन लेते हैं, उनको बोल लेने दीजिए फिर आप दोनों का बजट झूठ क्यों बोल रहे हैं चैनल पर। अनुशासन का पालन अगर नहीं होगा चित्रा जी, तो मैं इस डिबेट में मैं आंकड़े देना चाहता हूं, मैं जनता के भ्रम को दूर करना चाहता हूं, मैं अपनी आवाज रमजान के महीने में चीख के अगर आप चाहती है मैं चिल्ला के बोलूं तो आप बता दीजिए, मेरे साथ भी वही न्याय हो जो मैंने उनके साथ किया। इस पर बतलाएं मोदी जी, आप या तो मौका दे दीजिए या तो मैं अपनी बात नहीं रखूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी के बिना ही चला साहब, ये तरीका ठीक नहीं है। आप जब बोल रहे थे, एक सेकंड सर, आप जब बोल रहे थे, अब ये मैं तो यहाँ पर बैठ कर तय नहीं करूंगी ना कि उनको क्या बोलना है, अपने शब्द तो मैं उनकी जुबान में डालूंगी नहीं, और उसी तरह से आपके चार मिनट से इनको चुप कराने में वेस्ट हो गया। आदिल हसन जी, अगर आप चुप रहेंगे तो ठीक है, वरना मैं आपका ऑडियो म्यूट करा दूंगी। एमयू किशनगंज पे आप चलिए मेरे साथ, आप सिंगल विंडो पे भी ले सकते हैं। आप आदिल जी का ऑडियो म्यूट कीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, तस्लीम अहमद रहमानी भी इंतजार। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने चार मिनट बोला है तो मुझे दो मिनट मिल जाए। तथ्यों के बोलिए बोलिए बोलिए। पहली बात, हम धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं देते, ईडब्ल्यूएस में सबको रिजर्वेशन मिलेगा पिछड़ेपन के आधार पर। एएमयू और जामिया की फंडिंग बंद हुई है, इस प्रकार के गलत तथ्यों को इतने बड़े चैनल पर आगे करना, इसका मुझे लगता है कि फैक्ट चेक तुरंत हो जाना चाहिए, इंडिया टुडे फैक्ट चेक के लिए जाना जाता है। तीसरी बात, मैं आपको बताता हूं कि पोस्ट मैट्रिक स्कीम में यूपीए 2 के जमाने में होता था 23,000 रुपए प्रति व्यक्ति, आज एनडीए के जमाने में 26,000 रुपए है। बजट जो था 2013-14 में माइनॉरिटी का बजट 3,511 करोड़, 2022-23 में 5,020 करोड़, मनमोहन सिंह की सरकार में 2.33 करोड़ स्कॉलरशिप दिए गए, मोदी जी की पहली सरकार में 2.37 करोड़ स्कॉलरशिप दिए गए, किसने अन्याय किया है। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर, देखिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, लिंचिंग की बात करते हैं, जब सबसे बड़े लिंचिंग में कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार रही 2004-14 तक, आप लोग क्यों उनके साथ में थे, कब हुआ नेल्ली का दंगा, कब हुआ हाशिमपुर, भागलपुर, मीरठ, मलियाने, कब हुए, किसके जमाने में हुए, और आप कांग्रेस के साथ चले गए। और लिंचिंग की बात करते हैं, जब खेताराम भील को एक मुस्लिम भीड़ ने लिंच कर दिया, नागराजू को एक मुस्लिम भीड़ ने लिंच कर दिया क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, कहां थे आप लिंचिंग के नाम पर, क्यों इंसानियत नहीं जागी आपकी, जय भीम जय भीम तो बड़ा करते हैं आप लोग। और आखिरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए यह बात करें सेक्युलरिज्म की, इनके तो नाम में AIMIM मतलब केवल मुस्लिमीन के लिए, बोलिए मुस्लिमीन कब हटा रहे हैं, और हमने औरंगजेब रोड का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन की बात की, एपीजे अब्दुल कलाम से अच्छा कोई पर्सनालिटी हो सकता है, ठीक है, पर ओके। क्या एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रोड रखने का भी विरोध इन लोगों ने किया या नहीं किया? अहमद रहमानी साहब, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं, एक बार रहमानी साहब की टिप्पणी ले लेती हूं, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रहमानी साहब, जो बातें यहां पर हो रही हैं आपने सुना भी, और इसके अलावा कादरी जी को ये जो पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है, उनकी ओर से कहा गया है कि मेरे भीतर मोदी जी को लेकर, सरकार को लेकर एक भ्रम था जो दूर हो गया है। अब मेरा सीधा से सवाल है, क्या बीजेपी और मोदी को लेकर मुसलमानों के भीतर भ्रम है? नहीं, कोई भ्रम नहीं है, बल्कि यकीन है। हाँ। और पूरे तौर पर यकीन है, और इस यकीन को बीजेपी और आरएसएस रोज बरोज मजबूत करता चला जा रहा है। चित्रा जी, देखिए पॉलिटिक्स के, जहां मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स का, मैं समझता हूँ कि चार फेस होते हैं पॉलिटिक्स के, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकिंग, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। थ्रू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जब हम गवर्नेंस हासिल कर लेते हैं तो हम आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये फेसेस हैं। आप इलेक्शन को और गवर्नेंस को, दोनों को आपको अलग रखना पड़ेगा। आप समझते हैं कि आप जो हैं एक कर्नाटक में होने वाले इलेक्शन में स्वयं में कर्नाटक से एक साहब को उठा के आप उन्हें अवार्ड देंगे, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि पद्मश्री उनको मिला है, लेकिन मुझे क्या बताइए कि पिछले 9 साल में जब बीजेपी का रूल है, क्या पहली बार किसी मुसलमान को पद्मश्री मिला है? मुझे नहीं लगता। मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, हर साल हर लिस्ट में पद्मश्री और पद्म भूषण के मुसलमानों को भी बीजेपी की सरकार में भी मिलते रहे हैं। इस बार इसको इलेक्शन का इशू बनाने की क्या जरूरत है? और ठीक उस वक्त, जबकि ठीक कहा कि उससे पहले एक साहब ने कि आपने उसी कर्नाटक में कॉन्स्टिट्यूशनली जो अलॉटेड ग्रांटेड रिजर्वेशन था, आपने एक हाथ से वो छीना और दूसरे सिर्फ एक इंडिविजुअल को, जो उदित राज कह रहे थे, आपने एक अवार्ड दे दिया, एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग वोट। आपकी पार्टी में जो सत्ताधारी पार्टी है, एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है मुसलमान, आपके पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है, आपके पार्टी का एक मेंबर ऑफ राज्यसभा मुसलमान नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में आपके पास जो है वो नॉमिनेटेड लोग हैं, जो एमएलसी नॉमिनेट करके आप एक मिनिस्टर बनाए, और अब आपने एमएलसी के, आप किसी को टिकट नहीं देते। उसके अलावा जो रोजाना की घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेके इतना बड़ा डेलीगेशन कल रात को जाके अमित शाह जी से मिला, और उन्होंने भी सिर्फ वादे करके, वादे फर्दा पे टरखा दिया, और इतना मार्जिनलाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर लोग उसे महसूस करते हैं।
डू यू थिंक कि एक पद्म भूषण, एक पद्म श्री जो हमेशा से किसी ना किसी मुसलमान को, दो दो तीन तीन मुसलमान को हर बार मिला है, उसको लेके आप वोट की दुहाई दे रहे हैं? दरअसल सवाल इस वजह से तस्वीर साहब पूछे जा रहे हैं, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मोदी सरकार ने ही 50 से ज्यादा मुसलमानों को, ठीक है, बीते 9 सालों में, एक मिनट चित्रा जी, एक सेकंड, हिंदुस्तान में रिजर्वेशन का आधार धार्मिक है, आर्टिकल 341 का सेक्शन 2 पढ़ लीजिए कि रिजर्वेशन नॉन हिंदूज, नॉन सिख्स, नॉन बुद्धिस्ट के अलावा को नहीं मिलेगा, यानी हिंदू सिख और बुद्धिस्ट को मिलेगा। क्या ये धर्म आधारित नहीं है? ठीक है। और क्या हाई कोर्ट ने खुद कोर्ट ने, क्या कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्वेशन दिया था? तो आपने आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एफिडेविट देके जवाब नहीं दिया है कि आपको ये राइडर हटाना चाहिए, जो एक प्रेसिडेंशियल बड़े सवाल आपकी ओर से खड़े किए गए हैं। उदित राज जी, मैं आपके भी पास आऊंगी फौरन, लेकिन जल्दी से शहजाद आपका रुख करते हुए जो सवाल उन्होंने यहाँ पर दागे हैं, देखिए आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों के लिए भी बता दें कि अब तक 900 से ज्यादा जिन पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया, दिया गया मोदी सरकार के इस 9 सालों के राज में, उनमें 50 से ज्यादा मुसलमानों को दिया गया है। लेकिन ये जो वीडियो आए हैं सर, उसमें अगर एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति जो कर्नाटक से ताल्लुक रखता है, जिसने कांग्रेस शासन में प्रयास किए हो, उसको मोदी सरकार में बिना प्रयास के ही पद्म पुरस्कार से नवाजा जाता है, और वो ये बयान देता है कि आपको लेकर मोदी जी, मेरे अंदर भ्रम था कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को नहीं मानती, वो भ्रम मेरा दूर हो गया है, इस वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपने जो सवाल दागा है शहजाद, जल्दी से उस पर जवाब। देखिए, तस्लीम रहमानी जी की जानकारी को मैं थोड़ा सा ताजा कर दूं, गुलाम अली खटाना जी को राज्यसभा में उनको भेजा गया है पार्टी की तरफ से। ये हो सकता है कि तस्लीम रहमानी पासमानदा को मानते ही ना हो, और हो सकता है इनकी वो सोच हो जिसकी वजह से उन्होंने खटाना, जो गुजर समाज से हैं, उनको तो इग्नोर ही कर दिया। और यही करते हैं ये लोग, यही लोग अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, और इन्होंने अब तक जो 85-90% मुस्लिम समाज का गरीब तबका है उसको इग्नोर किया है। दूसरी बात, इन्होंने बार बार संविधान की और कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की, तो इसी संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 3 तलाक के जो ट्रिपल इंस्टेंट तलाक है उसको खत्म करके कानून करने को ले कहा था, ताकि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार 50% को अधिकार मिले। आप उसके साथ है कि अलग है उससे? यूसीसी की भी बात इसी संविधान में, आप यूसीसी के साथ है जो महिला सशक्तिकरण का हथियार है या उसके खिलाफ है? बताइए आप, आपकी दृष्टि में केवल कुछ कट्टरपंथी ही एक पूरे मुस्लिम समाज को आप मान लेते हैं कि अगर याकूब को फांसी हो जाती है तो मुस्लिम समाज खतरे में, अगर अफजल को फांसी हो जाती है तो मुस्लिम समाज खतरे में, औरंगजेब की कब्र पर जाकर सिजदा करना है परंतु एपीजे अब्दुल कलाम, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, वीर अब्दुल हामिद, इन लोगों को कभी इन्होंने याद किया है? कभी इन सेक्युलरिज्म के सुरमाओं ने कभी जाकर इन महान विभूतियों को याद करने का काम क्या नहीं करेंगे? क्योंकि उनके पूरे एनालिसिस में केवल औरंगजेब और केवल अफजल गुरु ही वोट बैंक की राजनीति के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से मुसलमानों को भड़काने का काम किया जाता है। छोड़ूंगा नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे अभी तो दिया, गुलाम अली खटाना कौन है बताइए? आपकी एक तो आवाज यहाँ पे स्टूडियो में आ नहीं रही है, तो मैं कैसे जवाब दूं? पर आप स्टूडियो में उनकी आवाज दीजिए। जब दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। जल्दी से सर बोलिए, सर बोलिए, रहमानी जी बोलिए सर। मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने ये कहा कि आदल जी, रिजर्वेशन धर्म आधारित है, ये विडंबना है देश की कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का आधार है प्योरली धर्म आधारित है। 341 आर्टिकल 341 का सेक्शन 2 मैंने कोट किया, वकील है शहजाद पूनावाला साहब, आप बताइए कि धर्म आधारित है कि नहीं? हिंदुओं, सिखों और बुद्धिस्ट के अलावा किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 341, आप एक मिनट संविधान का आर्टिकल 341 खोल दीजिए, उसका कोई रिजर्वेशन से लेना देना नहीं है। अभी फैक्ट चेक कीजिए, इंडिया टुडे फैक्ट चेक के लिए जाना जाता है। आप आर्टिकल 341, मैं संविधान का खोल लेता हूं, मैं खोल देता हूं। अगर मैं फैक्ट चेक करने बैठूंगी तो उसमें आधी अधूरी जानकारी, मैं खोल ही देता हूं, बता देता हूं, उसका कोई लेना देना नहीं। जल्दी से आपकी टिप्पणी उदित राज जी, उसके बाद मैं फाइनल क्लोजिंग के लिए आपके पास आऊंगा। आदल हसन जी, चित्रा जी, हां बोलिए बोलिए सर। चित्रा जी, आप पूछिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज को आज तक क्यों नहीं मोदी सरकार ने 9 साल में 1 रुपया भी दिया? और एएमयू और जामिया का जो ग्रांट केंद्र सरकार से मिलता था, दोनों ग्रांट कम हुआ है पिछले साल के बनिस्बत, इस बार 40% माइनॉरिटी बजट घटा है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप इन्होंने बंद किया है, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद किया है, मोमा का स्कॉलरशिप इन्होंने बंद किया है। इन्होंने जो देना चाहिए वो नहीं दिया है। ये आप पता कर लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज को 1 रुपया केंद्र सरकार पिछले 9 साल में नहीं दी है। और जो मदरसा के लिए जो पठान अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में शुरू हुआ था, आज तक इन्होंने उसमें 1 रुपया 2017 से नहीं दिया है तनखा टीचरों को। आप क्रॉस चेक भी कर सकती है अपने टीम के साथ।
आखिर बतलाएं कि किशनगंज जो सीमांचल इतना पिछड़ा इलाका है, उस एएमयू किशनगंज से इनको क्या दिक्कत है, क्या जलन है, क्या हसद है, क्या बैर है, जो एक रुपया आज तक मोदी जी नहीं देते, ये सबका साथ सबका विकास कैसे हो जाता है? 5% महाराष्ट्र का रिजर्वेशन चले जाते हैं आरजेडी में। आप लोगों ने क्यों इस मुद्दे को बीजेपी के समक्ष जोर शोर से क्यों उठाया था? और उदित राज जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स ऐसे करने के बाद उदित राज जी दूरी कम होगी बीजेपी के मुसलमानों से, या लग रहा है कि वो 10% के आसपास ही रह जाएगा, कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी? नहीं देखे चित्रा जी, इतना भी भोला भाला समाज नहीं है। आप नाखून काट करके शहीद होना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। गर्दन काटना और बाल से मोहब्बत करने वाली बात है। अभी शहजाद पुना जी बात कर रहे थे तो मैंने गूगल करके देखा, वो इसी भी मैंने सुना था। एक ग्राफ है जिसमें जेएनयू का, एएमयू का, बना बीएचयू का, जेएमआई का कंपैरिजन है। इनके ये जो दो मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, इनके बजट घटे हैं, एक ग्राफ में है। तो जो एमआईएम का व्यक्ति थे जो कह रहे थे सही कह रहे थे। और एक बात है कि इस देश की जो सबसे सब्सटेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट है, वहां तो एक टिकट इन्होंने दिया ही नहीं। क्लोजिंग कमेंट, दूरी घटेगी बनी रहेगी, क्या होगा बीजेपी के साथ? देखिए ये जितने लीडर हैं और जितनी ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और जितने ये रोज के दल बदलने वाले लीडर बोल रहे हैं, उदित राज जी ने पता नहीं 4 बार तो दल बदला है। इन्होंने सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों का किया और दलितों का किया। दलितों के मसीहा बनते हैं, दलितों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई इनके पास अपने प्रोग्राम नहीं है। ठीक है सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर मुसलमान क्या भ्रम के शिकार हैं? दंगल में यह सवाल हमने आज पूछा था। आपके जो जवाब मिले हैं, 69% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 31% लोगों का जवाब नहीं में है। अब मोदी और मुसलमान क्या एकजुट होकर आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि 2014-2019 में 8-10% ही वोट बैंक बीजेपी हासिल कर पाई है मुसलमानों के, आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।